नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पर भाजपा आज से नहीं सालों से काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूं कि उन्होंने लव जिहाद पर कानून बनाया। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो प्यार के नाम पर लड़कियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बलात्कार को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर पहला कानून मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। और आज फिर लव जिहाद को लेकर उस पर गंभीरता के साथ कानून बनाकर हमारे महामंत्री भगवान दास सबनानी जी आज मेरे साथ हैं यहाँ पर। भगवान दास सबनानी जी भोपाल के अंदर लव जिहाद पर आज से नहीं, कई सालों से इस पर वो काम करते रहे। इस प्रकार के लव जिहाद के प्रकरणों को पकड़ना और ऐसे लोगों को सिंकचे के अंदर पहुंचाना, इस काम पर लगातार उन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ने। तो ऐसे एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर एक कानून लव जिहाद को लेकर के जो आ रहा है कि धर्म के नाम पर जिस प्रकार से प्यार के जाल में फंसा कर धर्मांतरण करना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस कानून से हमारी इन बेटियों को जो चंगुल में फंसा करके धर्मांतरण करते हैं, इस चंगुल से बचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार आज जो कानून बना करके कर रही है, ये बहुत हमारे लिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है। और उन बेटियों के लिए कि जिन बेटियों को जाल में फंसा कर उनका धर्मांतरण करके उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम तथा कथित ये लोग करते थे, उन लोगों को एक जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनको जेल के अंदर सींचे में पहुंचाने का काम सरकार करेगी। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।